हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बायोलॉजी साइंस अकेडमी में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र का एक नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है ग्रास नली या ब्रेसिका। तो बच्चों देखते हैं क्या होती है ग्रास नली। ग्रास नली एक पेशी नली का संरचना होती है। ग्रास नली जो होती है एक पेशी नली का कार अर्थात पेशियों से बनी नली का कार संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यह ग्रीवा से प्रारंभ होकर, यह ग्रीवा मतलब गर्दन से प्रारंभ होकर डायफ्राम को घेरती हुई अमाशय से जुड़ी होती है। डायफ्राम श्वसन तंत्र का कवरिंग पार्ट है। नीचे का इसका नीचे का जो कवरिंग पार्ट है, फेफड़ों को ऊपर और नीचे का जो कार्य करता है डायफ्राम, उस डायफ्राम को भेदती हुई वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वक्ष गुहा में इसके आमाशय से जाकर के जुड़ जाती है। इस प्रकार से ग्रास नली ग्रीवा से प्रारंभ होकर डायफ्राम को भेदती हुई आमाशय से जुड़ी होती है। इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नली के अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये श्लेष्म ग्रंथियां जो रहती हैं एक श्लेष्म नामक तरल का कण उत्सर्जन करती है या स्रावित करती है उसे। और ये जो तरल रहता है ये भोजन के अंदर मिल जाता है और मिल करके भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। लसलसा एकदम चिकना बना देता है उसको, जिससे कि उसे आगे गति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार से इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती हैं। इसकी जो भित्तियां होती हैं वो पेशियों की बनी होती हैं और वो एक विशेष प्रकार की गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसको भोजन को, इसकी भित्तियां भोजन को एक विशेष गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है और इस गति का नाम है क्रमाकुंचन गति। तो अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसकी भित्तियां भोजन को एक विशेष प्रकार की गति क्रमाकुंचन द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसके शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस जब आपको ग्रसनी पढ़ाई गई थी तब भी बताया गया था, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। इस प्रकार से डायग्राम देखिए, ये आपका नोज हो गया, ये आपका प्रकार से नीचे का वो आपका मुख हो गया, नीचे का वो इस प्रकार सांस नली, जिसको टैकिया कहते हैं, सांस नली और इसका जो द्वार होता है उसको कहते हैं घाटी ढक्कन। वो घाटी कहते हैं घाटी, सिर्फ और सिर्फ घाटी। और इसके ऊपर पाया जाता है एपिग्लोटिस। इस प्रकार से ये क्या होता है घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है एपिग्लोटिस। और ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है मिडल ब्लॉक। मिडल ब्लॉक और ये है ग्रास, ये है ग्रास नली और ये फैली हुई है। इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है 25 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, ग्रास नली जो ये है इसके शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। और ये एपिग्लोटिस जो है ये क्या काम करता है, जिस वक्त भोजन यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पहुँचता है
तो ये इधर की तरफ आता है और इस पर घाटी द्वार जो है इस पर ढक्कन की तरह फिट हो जाता है और भोजन को घाटी द्वार के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इस प्रकार से भोजन श्वास नली आने से रोकता है और सीधा ग्रास नदी में जाकर के प्रवेश कर जाता है और ग्रास नदी से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें डायग्राम में इसको अच्छे से कुछ सब कुछ समझ में आ गया था कि ग्रास नदी क्या है। ग्रास पर देखते हैं इसके शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये एक ऐसी नलिका संरचना होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये ग्रीवा से प्रारंभ होकर के डायफ्राम को घेरती हुई आमाशय से जुड़ी होती है। इसमें स्पेस व ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को उदस्त सा बनाने का कार्य करते हैं। इसकी रिक्तियां भोजन को एक विशेष गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। उस गति का नाम है कर्मकुंचन गति। इसके शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारे वीडियो लगातार रूप से प्राप्त होते रहें।